गदर की तूफानी हवाओं ने पकड़ी रफ्तार, 12 दिन के अंदर कमाई 400 करोड़ की मोटी रकम। इसी बीच में ओएमजी की क्या है रकम और कितनी कमाई कर चुकी है मूवी, जब शुरुआत इतनी धीरे हुई तो अब कितनी कमाई की है अक्षय कुमार के इस फिल्म ने, आइए बात करते हैं और बताते हैं आपको इस मूवी का 12 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कौन सी मूवी चल रही है कितनी आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें की एक थी अमीषा पटेल और सनी देओल की गदर और दूसरी फिल्म थी पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार की ONG 2। दोनों फिल्में अपने आप में ही एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आई थी। दोनों ही फ्रेंचाइजी का सेकेंड पार्ट थी, जो ओएमजी थी वो भी ओएमजी 2 के तौर पर आई थी और जो गदर थी वो भी गदर 2 के तौर पर आई थी। मतलब कहानियों में फर्क यहाँ पे आता है कि गदर की जो स्टोरी है वो रिलेटेड होती है गदर 2 से और ओएमजी एक और नया प्लॉट लेके आती है, मगर कहानी में इस बार भगवान के दूत को दिखाया जाता है। जब ये फिल्में जो है थिएटर्स पे रिलीज हुई, फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और दोनों में अनुमान लगाया जा रहा था कि किस फिल्म को ज्यादा प्यार मिले था, मगर इसी के बारे में मूवी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने ही खुलासा कर दिया था कि कितनी तेज रफ्तार से जाने वाली है गदर। आपको बता दें, गदर ने जो है मूवी के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के तौर पे 400 करोड़ में से कम 40 करोड़ का आंकड़ा जो है पहले दिन ही पूरा कर लिया था। जी हाँ, अपने 12 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 10% मूवी ने पहले दिन ही पूरा कर लिया था। इसी बीच में ओएमजी की बात करें तो मूवी 9 करोड़ से ऊपर तक नहीं जा पाई थी और शुरुआत भी मूवी की बहुत ही धीरे हुई थी। धीरे धीरे करके मूवी एक एक करके इंडिपेंडेंस डे पे अच्छी खासी रकम कमा रही है। मूवी के लिए सैटरडेज और फ्राइडेज भी बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं, वीकेंड पे अच्छी खासी कमाई होती दिखाई दे रही है। इसी बीच में आज हम आपको बताने वाले हैं कि मूवी ने अपने 12वें दिन कितना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार किया है और कहाँ तक पहुंच चुकी है ये दोनों मूवियाँ। अगर बात करें गदर के बारे में तो मूवी ने अपने 12वें दिन जो है 11 करोड़ 50 लाख की रकम कमाई। जी हाँ, सही सुना आपने, 11 करोड़ 50 लाख की रकम मूवी ने एक दिन के अंदर कमाई है। इसी के साथ अभी भी लोग गदर को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और कहीं कहीं तो थिएटर में हाउसफुल का बोर्ड भी लग चुका है, क्योंकि लोग सैटरडे संडेज को मूवी को देखने जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। इसी बीच में बात कर लेते हैं ओएमजी 2 के बारे में। ओएमजी 2 का भी 12 दिन पूरे हो चुके हैं थिएटर में और 12वें दिन में मूवी ने अच्छी खासी रकम कमाई है। अगर बात करें इसके 12th डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो मूवी ने 3 करोड़ 20 लाख की रकम जो है अपने 12वें दिन कमाई थी और इसी के साथ मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 100 करोड़ से ऊपर चला गया है। अगर बात करें ओएमजी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 120 करोड़ 62 लाख मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। 120 करोड़ 62 लाख मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है और देख सकते हैं 400 करोड़ एक तरफ है और एक तरफ है 120 करोड़, तो बहुत ज्यादा फर्क है। मगर आपको दोनों में से कौन सी मूवी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।